नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? हाँ जी, हाँ भाई, सुजाता गिरी बना दी आपकी हाजिरी, आप प्रेजेंट हो गई हैं। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ओम बिसेन कह रहे हैं कि हमने पंचायत घर पर पढ़ी थी लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, आप चिंता मत करिए, समझाने के लिए ही तो बैठे हैं हम। इवन हम तो क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए बैठे थे, लेकिन कोई बात नहीं, पंचायतों का एक बेसिक इंट्रो तो हम दे ही सकते हैं आपको। हालांकि ये डिटेल स्टडी देखिए, ये जो क्लासेस चल रही हैं, इन सभी क्लासेस के अंदर क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो टाइटल्स दिए गए हैं उन पर आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए, आंसर आपसे सॉल्व करवाए जाए और उससे थोड़ा सा आपका एक्सपर्टाइज बढ़ जाए, ठीक है ना? हाँ जी, लेकिन मुद्दा यह है कि आपको थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल भी पढ़नी तो होंगी ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और जब एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप डिटेल पढ़ेंगे तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास में कि भैया आप बुक खरीदें और बुक पढ़ना शुरू कर दें। तो हम जो ये पढ़ रहे हैं, ये लक्ष्मीकांत नामक की किताब है, वहां से आपके लिए ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है ना? तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसके अलावा पढ़ना चाहते हैं तो मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ इसको। कहाँ पढ़ा रहा हूँ? लक्ष्मीकांत ही पढ़ा रहा हूँ मैं इन दिनों। और कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ? तो अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी सेक्शन में। तो वहां पर मेरे अलावा और भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है। हालांकि ज्योग्राफी मैंने भी पूरी कंप्लीट करा दी है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो मेंस के लिए आवश्यक सब्जेक्ट है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, जो भी है, एक्स वाई जेड जो क्लासेस रिक्वायर्ड है, वो सब हमारे द्वारा अनअकैडमी पर ली जा रही है यूपीएससी सेक्शन में, ठीक है? तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 लगा के मेरी क्लासेस एक्सेस कर लीजिए। 10% डिस्काउंट है, जो भी फीस होती है उस पर 10% डिस्काउंट आपको मिलता है और उसमें ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है ना? तो ये चीज आपके लिए अतिरिक्त ऑप्शन में है। इसके अलावा आप किसी भी सेक्शन में पढ़ रहे हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीईटी हो, कहीं पे भी आप 10% जैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा दोपहर 12 बजे मैं आप लोगों के लिए द हिंदू का सेशन लेता हूं। द हिंदू का सेशन, ये इसकी भी फ्री पीडीएफ, फ्री स्पेशल क्लासेस इसी प्रकार से उपलब्ध है, ठीक है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, पहले समझते हैं थोड़ा सा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, है ना, फिर क्या बोलते हैं, इस चीज को हम समझ भी लेते हैं थोड़ा सा और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं पंचायत क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं इस बात का। हालांकि पंचायत पढ़ाने के लिए पूरा अपना 3-4 दिन का लेक्चर लगता है, लेकिन ब्रीफ इंट्रो अगर पूछा जाए कि पंचायत क्या होती है, तो देखिए सराब सिंपल सी बात यह है कि जब जनता शासन करने लगती है तो जनता शासन करेगी कैसे, है ना? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जनता जब शासन करे तो करे कैसे? या तो साहब वो जाके संसद में बैठे, कहां बैठे? संसद में, दैट इज पार्लियामेंट में बैठे, या फिर वो विधानसभा में बैठे, विधानसभा में बैठे, या फिर वो ग्राम सभा में बैठे, कहां बैठे? ग्राम सभा में। लेकिन तीनों ही जगह से जनता ही शासन करेगी। जब संसद में बैठे तो भैया वो लोग सांसद कहलाते हैं, जिन्हें आप अंग्रेजी में एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। जब लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, तो इसमें जो बैठता है बंदा उसे आप एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ग्राम सभा में जब आप बैठता है कोई व्यक्ति, तो इसे आप पंच कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच कहते हैं, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में जो शासन व्यवस्था है, यानी कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो लोकतंत्र की स्थापना की गई है, उसमें त्रिस्तरीय सिस्टम वर्तमान में कार्य कर रहा है। कैसे? संसद जो है वो केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही है, राज्य का प्रतिनिधित्व विधानसभा कर रही है, और ग्राम सभा जो है वो गांव का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब सवाल बनता है कि गांव सभा के पास करने के लिए क्या क्या है? बोले सर हमें मालूम है कि एमपी का जो नेता होता है, यानी जिसका बहुमत है, उनका जो नेता बनता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है, पीएम कहलाता है। ऐसे ही एमएलए के बहुमत से, यानी जो मतलब एक प्रकार से कंसेंट से, जनरल कंसेंट से जो आदमी बनता है वो सीएम कहलाता है। इनमें कौन होता है? मैंने कहा भाई इनमें सरपंच होता है। पर बोले सर एक बात बताइए, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सुन रखी हैं। हमने कहा बताइए क्या सुन रखा है? हमने सरपंच भी शब्द सुना हुआ है, हमने प्रधान भी शब्द सुना हुआ है, और हमने मतलब जिला प्रमुख भी शब्द सुना हुआ है। इनमें से अब कौन सी चीज सही मानी जाए? मैंने कहा ये सवाल आपने सही पूछ लिया, यहीं से आपको बात समझना जरूरी है। क्या? देखो बेटा, विधानसभा में जो सदस्य उपस्थित हैं, इनके लिए विधायक चुने थे आपने। हर विधायक का, मेरे प्यारे साथियों, एक विधानसभा क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 200। राजस्थान का उदाहरण लिया, उससे चुनके कौन आया? एमएलए चुनके आया। उन एमएलए में से अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या चुन लिया गया? सीएम चुन लिया गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ग्राम सभा की जब बात होती है तो गांव ग्राम सभा जो है उसे राजस्थान में भी तीन स्तर कितने स्तर पर बांटा हुआ है? तीन स्तर पर बांटा हुआ है। कौन कौन से तीन स्तर हैं? मैं आपको बताता हूं, इसको समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे साथियों। पहले तो आप ये बताइए, यहां तक की स्थिति तो क्लियर है ना? संसद और विधानसभा तक की एक बार थम्स अप कर दीजिए, इस तक तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद वाली चीज पर अभी हम लॉन्च हो रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं। यहां तक तो हम सबको समझ में आता है संसद और विधानसभा वाला काम। अब साथियों, एक अलग ही शासन व्यवस्था और चल रही है।
है ना। तो अब ये जो अलग शासन व्यवस्था है इसे हम ग्राम सभा ना कह करके इसे हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पंचायती राज व्यवस्था। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्राम सभा तो इसकी सबसे छोटी इकाई है। अभी इसके अंदर नए नए ऑर्डर्स बन के आएंगे, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें तीन स्तर हैं। तीन स्तर कौन कौन से हैं मेरे प्यारे साथियों? सबसे निचले स्तर पर जो है ना वो है आपकी पंचायत। सबसे निचले स्तर पर कौन है? पंचायत है। उस पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच मुखिया होता है। उससे ऊपरी स्तर पर यानी कि इससे एक स्तर चढ़ते हुए होता है मेरे प्यारे साथियों पंचायत समिति। क्या होती है? पंचायत समिति। और इस पंचायत समिति का मुखिया होता है मेरे प्यारे साथियों प्रधान। कौन होता है? प्रधान। इसके ऊपर होती है मेरे प्यारे साथियों जिला पंचायत। क्या होती है? जिला पंचायत, ठीक है ना। और जिला पंचायत का प्रमुख होता है जिला प्रमुख। क्या होता है? जिला प्रमुख होता है। पहले तो आप लोग ये बताइए कि आपको ये जनरल क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं, ये त्रिस्तरीय सरपंच सिस्टम समझ में आया कि नहीं। सरपंच कौन होता है भाई? सरपंच जो है वो पंचायत में मुखिया का, पंचायत का मुखिया होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे विधायकों का मुखिया सीएम है, ऐसे ही पंचों का मुखिया सरपंच है, ठीक है। हाँ जी बेटा, इन सबको अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं। बस इतना कह सकते हो कि पंचायत काउंसिल, पंचायत कमेटी और यहां पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है ना। अच्छा, अब बड़ा सवाल जैसे बच्चों ने पूछा, गरिमा ने पूछा कि सर सरपंच का फिर काम क्या होता है? यही सबसे बड़ी बात है जो हमको समझनी चाहिए कि आफ्टर ऑल हमें इस बात की जरूरत क्या पड़ी। आपको मालूम होना चाहिए इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था मैं आपको बताता हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि बताएं कि महात्मा गांधी, इस बार के ही प्रीलिम्स में सवाल है आपसे पूछा गया है गांधी जी के बारे में और दूसरा कार्ल मार्क्स के बारे में, इन दोनों में समानता बताएं। ये प्रीलिम्स का सवाल था और चार ऑप्शंस दिए गए थे। पूछा गया था इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है ये बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों मैं इसका सिमिलरिटी का आंसर कर रहा हूं और वहीं से हम इस प्रश्न में एंट्री कर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों ये दोनों ही अराजकतावादी थे। कैसे थे? अराजकतावादी थे। अराजकतावादी, कई बार हम लोग जब पुलिस के द्वारा किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो हम सुनते हैं कि भैया ये अराजकता फैलाए हुए पाए गए, फैलाते हुए पाए गए, या फिर ये शांति व्यवस्था भंग करते हुए पाए गए, है ना। तो हाँ बेटा, प्रधान को कौन चुनता है? तो प्रधान के लिए भी वार्ड सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड पंच का चुनाव होता है, है ना। अभी हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? तो भैया इसका मतलब होता है अनार्किस्ट। क्या मतलब होता है अनार्किस्ट? मतलब होता है किसका? अराजकतावादी का, ठीक है ना, अशांति फैलाने वाले का, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों बड़ा सवाल बनता है कि गांधी जी को ऐसा क्यों कहा? सर ये तो थोड़ा सा हमारे खिलाफ बात है। मैंने कहा भाई अब इसका मतलब समझिए। गांधी जी कहते थे कि जनता के ऊपर कोई भी व्यक्ति शासन ना करे। दोबारा सुनिए, आदित्य चौहान पूछ रहे हैं थ्योरी कब होगा। बेटा थ्योरी चल रही है पेड बैचेस में, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, है ना। तो थ्योरी जो है वो पेड बैचेस में चल रही है। अगर आपको पढ़ना है तो मैं पूरी की पूरी लक्ष्मी का खत्म करवा रहा हूँ, मतलब पेज बाई पेज खत्म करवा रहा हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो स्वागत है, और जो पुराने वीडियो निकले वो भी आपको मिल जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल बनता है कि सर गांधी जी ने ऐसा क्या कहा? तो मैंने कहा गांधी जी ने एक लाइन बोली थी, क्या? कि जनता के ऊपर शासन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शासन नहीं होना चाहिए, जनता के ऊपर कोई भी राज ना करे। बोले ये बात कैसे कह सकते हो सर, जनता के ऊपर राज ना करे, फिर तो जनता जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी। बोले भाई फिर स्वतंत्र होने का मतलब क्या हुआ? अगर देश आजाद है तो देश में आजादी में सबको काम करने की भी आजादी होनी चाहिए, घूमने फिरने की भी आजादी होनी चाहिए। जनता कोई भेड़ बकरी थोड़ी है जो बाड़े में भर दी गई है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि आपने उठा करके किसी शहर में बंद कर दिया जनता को, या राज्य में बंद कर दिया, इसका मतलब तो आप डरा के उनसे काम करवा रहे हैं। और सरकार जो है वर्तमान में भी वैसे ही तो काम कर रही है जैसे ब्रिटिशर्स किया करते थे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे? ब्रिटिशर्स भी तो अपनी सेना के दम पर भारतवासियों को धमका करके रखते थे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ऐसे ही वर्तमान में शासन चल रहा है। वर्तमान में क्या होता है? आप लोग रोड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते, आप रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते, आप रात को कोई भी मतलब ऐसा काम, गलती से कहीं पर आपको मना कर दिया गया यहां नहीं जाना है, आप वहां नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री के मन में आया कि भाई लॉकडाउन लगा देना चाहिए, 10 लोग ही चाहे वो निकले थे, मरीज निकले थे, तो लॉकडाउन लगा दिया, जो बाहर निकला उसको सूट दिया पुलिस वाले ने, और आज लाखों की संख्या में कोरोना के मरीज घूम रहे हैं, आज सब कुछ खोल दिया जा रहा है। तो यानी कि एक व्यक्ति के विवेक पर पूरा देश, जब मन में आया तब तो जेल में डाल दिया, जब मन में नहीं आया तब खुला घूम दिया। नियम क्या है? जब एक भी व्यक्ति नहीं मरा था तब तो एक व्यक्ति जो गलती से बाहर निकल गया था उसको पुलिस वाले कूट रहे थे कि तुमने लॉकडाउन का पालन नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ आज लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं तो भी लोग बाहर घूम रहे हैं, कोई नहीं कूट रहा है। इसका मतलब सरकार ही निर्णय कर रही है ना, इसका मतलब सरकार निर्णय कर रही है। और जब सरकार निर्णय कर रही है तो गलत निर्णय कर रही है। क्यों निर्णय कर रही है? सरकार तो शासन कर रही है हमारे ऊपर, जबकि हम तो आजाद हैं।
जब हम आजाद हैं तो क्या हम आजादी का लाभ ना उठाएं? तो गांधी जी कहते ही ये थे, क्या कहते थे कि किसी के ऊपर शासन नहीं होना चाहिए। तो फिर गांधी जी से पूछा कि जब शासन नहीं होना चाहिए फिर व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, फिर कैसे कहीं मेले का आयोजन करना हुआ या फिर कोई भी बहुत बड़ा आयोजन करना हुआ, देश का विकास करना हुआ, सड़कें, नाली, हॉस्पिटल, अस्पताल, शिक्षा कैसे बन पाएंगे, गांधी जी कोई मॉडल प्रस्तुत करो। तब गांधी जी ने मेरे प्यारे साथियों मॉडल प्रस्तुत किया आपकी ग्राम सभा का। क्या मॉडल प्रस्तुत किया, अब ध्यान से सुनिए, उन्होंने ग्राम सभा का मॉडल प्रस्तुत ये किया। हाँ भाई संगीता, तुम शायद एक ही चीज को लिख लिख के भूल जा रही हो, तुम थोड़ा सा दिमाग अपना सही सेंटर में ले आओ ना, मतलब हम बता देंगे जब डायरेक्टर में आएंगे तब वो भी बता देंगे, हमें लग रहा है तुम्हारा कोई रिश्तेदार डायरेक्टर है और तुमसे रहा नहीं जा रहा है ताकि हम अपना आंसर दें और तुम फट से पूछो हमारे हैं ये, बच जाओ यार, मतलब हम बता कुछ और, डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है, गूगल कर लो, इतना टाइप करने में समय लगा रही हो, डांट सुनने में मजा आ रहा था तुम्हें। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल क्या बन रहा है कि सर एक बात बताइए फिर देश में क्या इशू क्या है, इशू क्या है तो ये बताए सर। अगर आपको लगता है कि गांधी जी से पूछा गया कि गांधी जी बताइए कि किस प्रकार से हम इस देश को चलाएं, तो आपके पास कोई ऑप्शन है तो बढ़िया सा वो ऑप्शन बताइए। गांधी जी ने बता दिया, बोले क्या, बोले देखो सिंपल सी बात यह है कि जनता को कहो कि वो अपना प्रतिनिधि चुने। बोले जनता ही तो चुनती है प्रतिनिधि, बोले नहीं आप लोग जब प्रतिनिधि चुनते हो ये उल्टे तरीके से चुनते हो। बोले कैसे, आप सबसे पहले ऊपर वाले आदमी को बिठा दिया केंद्र में, केंद्र सबसे सर्वोपरि कर दिया, फिर राज्य सर्वोपरि कर दिया, फिर बेचारा गांव आता है छोटा सा, आप लोग उल्टा चल रहे हो, यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच है आपकी, उल्टा काम करो ना आप। बोले क्या करो, बोले गांव के लोगों से कहो कि वो शासन करें अपने गांव पर। आप इस व्यवस्था को सोचिए, गांधी जी कितना सही आंसर दिए थे इसको थोड़ा विचार करिए। बोले आप गांव के लोगों से कहो कि वो गांव पर शासन करें, गांव में ग्राम सभा का चुनाव हो, ध्यान से सुनिएगा, क्या हो, एक ग्राम सभा बने जिसमें गांव के जिस भी वयस्क मताधिकार के अंदर जिनका भी पंचायत उसकी वोटिंग लिस्ट में नाम है उनको ले लिया जाए, है ना, ग्राम सभा के अंदर वो लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं वो बैठे, वो निर्णय करें कि उनके गांव में पानी का कहां पर सोर्स लगना चाहिए, कहां पर उनका अस्पताल होना चाहिए, कहां पर उनके लिए फैक्ट्री लगनी चाहिए। फिर आप उनसे कई सवाल बच्चे पूछेंगे कि सर फिर उनको कमाने के लिए ये धन कहां से लाएंगे, पानी लगाने के लिए बोरवेल करनी होगी, सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिएगा, वो तो केंद्र भेजेगा ना। बोले क्यों भेजेगा, गांधी जी ने इसका भी तरीका बताया। गांधी जी ने कहा कि गांव के लोगों से कहो ना कुटीर उद्योग चलाएं। कुटीर उद्योग कौन कहता है कि ये फेलियर चीज है, बहुत सक्सेसफुल है। स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री चलाइए ना आप लोग, कॉटेज इंडस्ट्री चलाइए, स्मॉल इंडस्ट्री चलाइए। बोले सर कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ी ना बड़े बड़े काम होते हैं। बोले क्यों नहीं होते, आप इनको थोड़ा आगे बढ़ाइए, सहकारी संगठन बनाइए, लोगों के सहयोग से सहकारी संगठन का निर्माण करिए। बोले सर सहकारी संगठन से कोई सक्सेसफुल थोड़ी हुआ है। वाह भाई वाह, भारत के अंदर जो दुनिया की सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है ना इफको, वो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी कोऑपरेटिव कंपनी है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध का ब्रांड जिसका नाम अमूल है, जो कि ऑपरेशन फ्लड कहलाया था, ये कोऑपरेटिव एजेंसी है। कैसे कह सकते हो कोऑपरेटिव काम नहीं करती, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोले जनता मिलके क्या नहीं बना सकती, ये बना दिया देखो। बोले अच्छा, तो इसका मतलब सब कुछ संभव है। हमने कहा बिल्कुल संभव है, बॉटम टू अप का अप्रोच संभव है। मतलब समझ में आ रहा है आपको, इफको इंडस्ट्रियल इंडियन फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, बिटाइए, है ना। तो फिर आपके बाद में एक सवाल बनता है, बोले अच्छा तो गांधी जी कहते थे पहले ग्राम सभा को मजबूत करो, ये लोग आपस में निर्णय लें। अच्छा फिर बोले देश कैसे चले। बोले भाई हमारे देश में जब आजादी आई थी तब 90% से ज्यादा लोग तो गांव में रहते थे, जब 90% से ऊपर लोग गांव में रहते थे तो 90 को ही दिमाग में रख के चलते रहो आप। ऐसी ऐसी ग्राम सभाएं आपस में मिलकर के अपना अपना प्रतिनिधि बनाएं। ग्राम सभा का प्रतिनिधि हो गया सरपंच, ये सरपंच जो है ये दो चार ग्राम सभाओं के सरपंच आपस में मिलकर के अपना एक प्रतिनिधि बना दे, जिसे हम प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम प्रधान कहते हैं। ये प्रधान जो है ये अपना प्रतिनिधि चुन ले, प्रधान को ही हम जिला प्रधान कहते हैं, जिला प्रमुख कहते हैं। जिला प्रमुख जो है वो एक राज्य के अंदर जितने भी जिला प्रमुख है ये आपस में मिलकर के मुख्यमंत्री का चुनाव कर ले, इसका चुनाव कर ले, मुख्यमंत्री का चुनाव कर ले, मुख्यमंत्री जो है आपस में मिलकर के प्रधानमंत्री का चुनाव कर ले। लीजिए दिक्कत क्या आ रही है, हो तो क्या बन गया सारा देश। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, गांधी जी ये सिस्टम चाहते थे। अब आप पूछेंगे कि सर ये सिस्टम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, जो मुझसे बहुत दिनों से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं उन्हें पता होगा मेरे प्यारे साथियों, असल में जो चाइना है जिसमें कहते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, याद है आप लोगों को, चाइना जिसमें सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, या फिर नॉर्थ कोरिया जिसमें सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, वहां असल में यही वाला मॉडल तो फॉलो होता है। सिंगल पार्टी सिस्टम जहां भी चलता है वहां यही सिस्टम फॉलो होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो बोले सर गांधी जी चाइना जैसा बनाना चाहते थे क्या? मैंने कहा कंफ्यूज मत होइए, चाइना जो अपना लिया ये मार्क्स के अनुसार जो कहा था ना, इसीलिए तो कहते हैं कम्युनिस्ट सरकार चाइना की, मार्क्सवाद के अनुसार चली हुई सरकार। तो फिर बोले आपने बताइए गांधी जी ने जो रूट बताया हमने नहीं माना, आज नहीं तो हम भी चाइना की तरह तरक्की कर रहे होते। मैंने कहा देखिए बढ़िया बात तो यह है कि ऐसा जो मॉडल सोचा गया था यह बहुत अच्छा है, लेकिन फिर मैन्युपुलेशन इस ऑर्डर में भी निकल के आ सकते थे, कमियां हो सकती थी, अच्छाइयां हो सकती थी, लेकिन गांधी जी ने यह कहा था कि मैं चाहता हूं कि ग्राम सभाओं के माध्यम से देश चलाओ। डन है। अब यहां पर हम पहुंचते हैं कि गांधी जी की बात भी रख ली, किसने रख ली,
नेहरू जी ने गांधी जी को मना लिया कि नेहरू जी गांधी जी माना कि आप संविधान सभा की बैठक में तो नहीं आएंगे लेकिन आपकी कही बात को हम मान जरूर लेते हैं, इसीलिए हम भारतीय संविधान में एक पॉइंट डाल देते हैं। बोले क्या? बोले हम भारतीय संविधान में एक पॉइंट डाल देते हैं आर्टिकल 40 कि जब हमारे पास में संसाधन पर्याप्त तो होंगे तब हम गांव के लोगों को भी शासन व्यवस्था में इन्वॉल्व करेंगे। मतलब ये हुआ कि हम ग्रामीण स्तर को भी हम शासन व्यवस्था में चालू करेंगे यानी पंचायत समिति बनाएंगे, इसलिए हमने इसे नीति निदेशक तत्व बना दिया, DPSP बना दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पंचायती राज लेके आएंगे। फिर पूछा गया नेहरू जी से, पूछा गया कि नेहरू जी आपका क्या आर्ग्यूमेंट है कि आप क्यों ये वाली व्यवस्था चाहते हैं, संसदीय व्यवस्था क्यों चाहते हैं आप? तो नेहरू जी ने कहा, गांधी जी को समझाया कि देखो गांधी जी बात सही है, ग्राम सभा के पास ये सारी विचार होने चाहिए लेकिन ग्राम सभा ये निर्धारित नहीं कर पाएगी कि विदेशी संबंध कैसे हो, ग्राम सभा ये निर्धारित नहीं कर पाएगी कि किस प्रकार से सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस जरूरी हैं, फोर्सेस को कैसे यूज करना है, नई टेक्नोलॉजी को कैसे लेके आना है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम ऐसी व्यवस्था अपनाएं जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लोग संसद के सदस्यों को डायरेक्ट चुने। बोले ठीक बात है, ऐसी स्थिति है तो ये भी कर देते हैं। हमने यही अपनाया और ये कहा गया कि हम लोगों को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध करवाएंगे, हर व्यक्ति को हम एजुकेशन उपलब्ध करवाएंगे, राइट टू एजुकेशन देंगे, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जब पूरी तरह नॉलेज वाला हो जाएगा तब वो जाकर के क्या अपनाएगा, स्वयं का शासन अपनाएगा, खुद का शासन अपनाएगा। आपको मालूम होगा अभी कुछ दिन पहले ही जब कोरोना के कारण दुनिया में सब जगह लॉकडाउन लग रहा था तब आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को सुना होगा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। उन्होंने लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया? कुछ कुछ दिन का, 10-15 दिन का बस लॉकडाउन लगा था, फिर वहां की जनता ने ही कह दिया था कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही समझदार हैं, हम खुद ही समझदार हैं। आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हम खुद ही रख लेंगे। आपने कहा कि मास्क लगाइए, हम खुद ही रख लेंगे, दिक्कत क्या है? तो कहने का अर्थ है कि जब जनता समझदार हो जाएगी तो वो खुद से खुद पर शासन करेगी, उसे कोई डंडे से हांक नहीं पाएगा, डंडे से कोई हांक नहीं पाएगा। यही कारण है कि जो चीजें नीति निदेशक तत्वों में कही गई थी उन्हें लागू होते होते भारत में 2 संविधान संशोधन किए गए, क्योंकि देश तो आजाद बहुत पहले हो गया, शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया, ग्रामीण लोगों के भी मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं अधिकार दिए गए, और भारत में मेरे प्यारे साथियों 2 संविधान संशोधन हुए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिससे ग्राम पंचायत और जो आपकी नगरीय स्वशासन की इकाइयां हैं इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। कैसा दर्जा प्रदान कर दिया गया? संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इनको प्रदान कर दिया गया 92-93 के अंदर। क्लियर है? और भारत में 2 नई अनुसूचियां ऐड की गई, 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित ऐड की गई और 12वीं अनुसूची जो है वो आपके नगरीय स्वशासन से संबंधित सूची जो है वो प्रोवाइड की गई। बोलिए क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूं? मुद्दा क्लियर हो गया? क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या निकल के आया? कहने का मतलब सिंपल है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में पंचायती राज का जो विकास है उस विकास का आधार केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सब मिलकर के कर रही हैं। अब हम 73वीं 74वीं जो हमने संविधान संशोधन किया जिसकी वजह से हम लोग आज ये सारी बातें पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जो है वो इसके ऊपर ही प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्षितिज क्या पूछ रहे हैं आप? कमेंट निकल गया बेटा आपका, कुछ तो पूछ रहे थे आप बेटा, लास्ट में पूछ लेना क्षितिज, कमेंट निकल जा रहा है बेटा, है ना। वंदना, वर्धा, आयुष, बेटा यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, कमेंट है ना, रुक नहीं रहे, चलते चले जा रहे हैं जल्दी जल्दी ऊपर। छोटी छोटी चीजें तो दिख जा रही हैं, ऊपर बाकी निकल जा रही हैं। आलो बिल्कुल कर देंगे, कल वाले में यार दिक्कत आ रही थी, है ना। हाँ जी, चलिए बढ़े आगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, यहाँ पर आइए देखते हैं। पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत एंड इज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। पहली बात तो ये पूछी गई है कि भारत के संविधान में भाग 9, देखिए ये भाग का मतलब क्या होता है, सभी राज्यों के लिए एक समान नहीं है। बंगाल ने 4 स्तरीय प्रणाली अपनाई हुई है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेरे प्यारे साथियों वो जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल है वो अपनाया हुआ है। देखिए ये इस प्रकार से भारत के संविधान में ना मेरे प्यारे साथियों ये भाग लिखे हुए हैं, देखिए आप लोग शायद देख पाए, ये मैं आपको पार्ट्स दिखा देता हूं। पार्ट्स का मतलब क्या होता है, देखो ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 दिख रहा होगा आपको, पंचायत दिख गया है ना, ये मतलब ये वो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्ट 9B दिख रहा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, पार्ट 9A दिख रहा होगा म्युनिसिपैलिटीज। तो हमारे संविधान में ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है बेटा। तो इससे ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये किसके बारे में बात करता है, तो ये पंचायत के बारे में बात करता है, नंबर 1। नंबर 2, पार्ट 9A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243A देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज फॉर ईच स्टेट, द म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखिए, अब इन पार्ट्स में मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं, अब यहां पर एक गलती अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, आप लोग पंचायत का आर्टिकल खोले, 243 में पंचायत की डेफिनेशन है, 243 A B C D E F G H I J K L M N O तक पंचायतें हैं। यहां पर प्रश्न क्या दिया है, 243A, क्या 243A पंचायतों से संबंधित है, मतलब समझ में आ गया ना। इधर देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में क्या है आर्टिकल 243P,
QRST। अब इधर देखिए, अब इन्हीं आर्टिकल्स को अगर आप देखते जाएंगे तो ये देखिए PUVWXYZ, फिर ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG, तो 243 ZG, तो पी से लेकर के 243 पी से लेकर के 243 ZG तक क्या है, 243 ZG तक म्युनिसिपैलिटी है। फिर ZH से लेकर के ZT तक क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो अपने आप ऑप्शन गलत हो गया। बोलिए हम सब करिए, मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया भाई? चीजें अगर समझ में आ रही हूं तब तो पढ़ाने में देखो आता है आनंद, और अगर समझ में नहीं आ रही हो तो फिर दीवारों को पढ़ाने का क्या ही फायदा है जनाब। आ गई ना? चलिए देखिए, टिक करिए आंसर। बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई क्रॉस आर्गुमेंट बचा भी नहीं, सवाल सही कर दिया आप लोगों ने, एकदम सही कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हाँ जी, जिनको अभी भी समझ नहीं आया ना, वो थोड़ी देर के लिए मतलब ब्रेक ले सकते हैं, है ना? हाँ क्षितिज बेटा, अलग से तो मेरी क्लास पॉसिबल नहीं है, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन ही यही होता है ना, क्योंकि इतने में भी समझ में नहीं आएगा तो फिर उनको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है बेटा, चलिए। द डिसीजन इज टेकन बाय होम टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत। बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है ना। सवाल पूछा जा रहा है कि भाई पंचायत के चुनाव करने चाहिए, ये पंचायत के चुनाव संबंधी जो डिसीजन है ये लेता कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जज लेता है, इलेक्शन कमीशन लेता है, कौन लेता है? हमारे राजस्थानी लोग तो सही आंसर कर देंगे, तो हमारे चल रहे थे चुनाव अभी। हाँ, अब ये बात जो है ना, ये परेशान होने की आवश्यकता भी थी, और आंसर जो डी लिखा है जिन्होंने वो अपनी जगह सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि असल में वो कंफ्यूज हैं कि इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकारों में क्या दिक्कत है। मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, पंचायत के चुनाव जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो नहीं करता है, तो कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन वो चुनावों की तारीख नहीं निकाल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट निकाल रही है, यही थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है। 243K के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? ये तथ्य याद कर लीजिएगा। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों ये बात कही गई कि ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। और हम आपको बताएं, राजस्थान में तो ये हो रहा है कि पंचायत के चुनाव खत्म ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कभी कोई ना कोई आचार संहिता लगने से, कभी कुछ दिक्कत हो जाने से, कभी कोरोना के कारण, मतलब 1.5-2 साल से चुनाव में ही चल रहा है मामला। ठीक है ना, वही बात है ना, कोई केंद्रीय संस्था ना होना दिक्कत कर देता है। एनीवे, चलिए सवाल पढ़िए और फिर आंसर करिए। सवाल लिखा हुआ है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड द रीजन फॉर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग इट अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय मेकिंग लोकल गवर्नमेंट ए मैंडेटरी प्रोविजन। ये देखिए मैंने अभी हाल आपको समझाया, आपको वही प्रश्न देखने को भी मिलेगा। सवाल पूछा जा रहा है, जब संविधान हमारा बन रहा था तो हमने उस समय पर ही स्थानीय शासन को क्यों नहीं अपनाया? हमने मतलब 25-30 साल बाद का इंतजार क्यों किया, है ना? पहला, देश विभाजन खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने में रहा। भाई देश उस समय टूटा ही था, उस समय केंद्र को मजबूत बनाया जाए इसलिए हमने नहीं अपनाया। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे, नेहरू जी खुद ही नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। डॉक्टर बीआर अंबेडकर ग्रामीण भारत के बड़े स्तर पर विद्यमान जातीय व्यवस्था की नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण स्थानीय शासन के निकायों को आपत्तिजनक मानते थे, और महात्मा गांधी स्थानीय शासन के समर्थक नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि एक वाला जो आंसर है वो तो आप गलत करेंगे, क्योंकि एक तो कंफर्म हो ही गया है ना, बाकी जो बातें हैं वो आप लोगों को करनी है। मैं एक एक सही बता चुका हूं, उम्मीद है सभी लोग एकदम सही आंसर कर देंगे। जी हां, द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। जिसने अभी भी डी आंसर कर दिया भाई साहब, उसको मैं कहूंगा कि कृपया करके आप थोड़ा सा विराम करें, है ना? मतलब विराम करने से अर्थ है कि थोड़ा सा जाएं और मतलब कोई और क्लास ढूंढ आए इतने जा करके, क्योंकि मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूं वो दिमाग में ही नहीं उतरा, तो मुफ्त में ज्ञान बट रहा है, किसी और की भीड़ बढ़ाओ। कारण क्या है कि यहां तो चल नहीं पाएगा मामला ऐसे यार, है ना? मतलब यार गजब आदमी हो यार, इतनी देर से मतलब गला फाड़ फाड़ के मैं सिखा रहा हूं, है? मतलब महात्मा गांधी वाज नॉट सपोर्टर ऑफ लोकल गवर्नेंस, क्या कह रहे हो भाई? मतलब ये चौथा पॉइंट किस आधार पर सही है मुझे ये समझा दोगे? मतलब अपने आप को कभी शीशे के आगे देख करके खुद को सलाम किया करो ऐसे करके कि भाई खुद को सलामी देनी है। बोले क्यों? बोले यार दुनिया तो सलामी पता नहीं कब देगी, खुद को थोड़ा सलाम करना है, यूनिक चीज है हम इस धरती पे। गजब आदमी हो यार, मतलब जान निकाल के धरती पूरी कहानी सुना दी, रामायण खत्म हो गई, सीता कौन थी यही नहीं पता है भाई साहब। जय हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट। हाँ जी, स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है? These institutions were given constitutional status in 1993. But next,
विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नेंस इज कॉल्ड लोकल गवर्नेंस. लोकल इंटरेस्ट एंड लोकल नॉलेज आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. यानी कि स्थानीय जानकारी होना बहुत जरूरी है. लाइवली एंड स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी. मुझे नहीं लगता कि आप में से समझने में मुझे इसमें से किसी भी शब्द की व्याख्या करने की आवश्यकता है. सब शब्द शब्द से अपनी व्याख्या लिए हुए बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हर शब्द अपनी कहानी कह रहा है, मतलब व्याख्या की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान भाषा है. बिल्कुल सही, 60% लोग इस बात को सही से समझ गए, तो इसका मतलब है सही से समझ में आ गई है बात. हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग. एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर 2 अक्टूबर 1959 को ही, बिल्कुल भैया हमारे नागौर में बनी थी पहली पंचायत. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पंचायतें बनी, उन्हें संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया गया था, है ना. संवैधानिक दर्जा होने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को भी वही इज्जत मिलेगी जो केंद्र वाले को मिलती है. द स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत. कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है, यहां से सवाल पूछ लीजिएगा. 243K है ये वाली लाइन. कॉन्स्टिट्यूशनल 74th अमेंडमेंट एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट, पंचायत को लेकर के क्या 74वां संविधान संशोधन था क्या. द टेन्योर ऑफ पंचायत विल बी फिक्स्ड फॉर 5 ईयर. पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है. ए न्यू इलेक्शन विल बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पंचायत. कौन सा कथन यहां पर गलत है ये सवाल पूछा गया है, और अगर इसको भी आप गलत कर दे रहे हैं तो वाकई में आपको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है कि आप मोबाइल में देख ही रहे हैं क्लास या फिर किसी और के बारे में विचार कर रहे हैं. हाँ जी, 73rd था, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बहुत ही प्यारा सवाल है और इस प्रकार के सवाल पता होने चाहिए, और आई एम वेरी मच श्योर कि दो ऑप्शन में से आप कंफ्यूज करेंगे, और मैं परसेंटेज भी लिख के रख लेता हूँ बिना बताए, और इस वाले परसेंटेज को मैं परसेंटेज दिखा दूंगा. वाह, उनके तो वास्ती वाह. फिफ्टी और 53% रहा है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज इज एन अरेंजमेंट सेल्फ गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल. 3-tier governance with bio linkage, democratic decentralization और एक hierarchy structure. पंचायती राज कैसा है? खुद का खुद प्रशासन है. bio linkages के आधार पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है. democratic decentralization है, विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता जो है वो बांट दी गई है केंद्र, राज्य और फिर आगे, और इसमें एक स्तरीय सिस्टम है कि भाई नीचे ये, इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये, क्या है ये आपसे पूछा गया है. अच्छा प्रश्न है. एक चीज इसके अंदर कंफ्यूज करेगी आप लोगों को बाय द वे, लेकिन हाँ प्रश्न अच्छा है. कंफ्यूज ये कर सकती थी हायरार्की क्या होती है ना. मतलब इसमें ज्यादा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बच्चों को, मतलब ये वाला भी लग रहा था, ठीक है. अच्छा मैं समझ गया आपकी बात, तो इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बलवंत राय मेहता के द्वारा ये बात कही गई थी. आप लोग जब विचारकों के नाम सुनते हैं तो बलवंत राय मेहता, बायो लिंकेज भी समझा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हायरार्की का शब्द समझिए इसका मतलब क्या होता है. देखिए दो बातें होती है. हायरार्की का मतलब होता है कि आप मान लीजिए सब इंस्पेक्टर हैं, इसको ऐसे समझिए, मैं तो आपको आईजी मानता हूं लेकिन उदाहरण के रूप में समझिएगा, आप सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है. सब इंस्पेक्टर के ऊपर इंस्पेक्टर होता है, के ऊपर होता है, मतलब ये हुआ कि ये इसका आदेश मानता है. इंस्पेक्टर के ऊपर जो है वो डेप्यूटी, जिसको आप DYSP कहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है. इसके ऊपर एडिशनल SP होता है, इसके ऊपर SP होता है, SP के ऊपर DIG होता है, DIG के ऊपर IG होता है,
इसके ऊपर डीजीपी होता है, फिर डीजी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, ये सब एक दूसरे के सबऑर्डिनेट्स होते चले गए ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, ये हायरार्की है, यानी इसी क्रम में ये फॉलो होगी, इसी क्रम में ये फॉलो होगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस क्रम को हम हायरार्की कहते हैं, नंबर एक बात। दूसरी तरफ बोले पंचायतों में ऐसा होता है क्या, पंचायतों में क्या कि साहब नीचे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत रिपोर्ट करेगी प्रधान को, यानी कि पंचायत समिति को, पंचायत समिति रिपोर्ट करेगी उसको जिला पंचायत को, क्या ऐसा होता है क्या। तो अब मैं आपको वो जो एक बच्ची थी जिसको हमने डांट दिया था संगीता, उसका आंसर दे देते हैं, है ना, कि उसने जो सवाल पूछा था डायरेक्टर क्या होता है, अब मैं बता ही देता हूं, है ना, ताकि उसका जो आंसर है वो मिल जाए उसको। संगीता, अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकल के आएगा, हायरार्की से, सुन लो इधर। देखो बेटा, ये है कि जो भी जिले के अंदर पंच होते हैं, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों जब जिला का चुनाव होता है, जिला का मतलब जिला प्रमुख का चुनाव होता है, तो ऐसी स्थिति में उस जिला प्रमुख के पंच चुनाव के लिए जो पूरे जिले के गांव, नगर पालिकाएं, जो भी क्षेत्र जितने भी हैं, उन सबको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, और उन भाग से चुन के आने वाले उन्हीं पंचों को हम डायरेक्टर कहते हैं। डायरेक्टर यहां पर जो शब्द है ना, वो थोड़ा सा सुनकर के ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर होगा। इवन पता है जब कोई जानने वाला डायरेक्टर के चुनाव में खड़ा होता है, तो माहौल तो उसका ऐसा ही बनता है कि भाई साहब वो जो है वो डायरेक्टर का चुनाव खड़ा हुआ, डायरेक्टर बनेगा वो जिला पंचायत का, लेकिन पता चलता है कि भाई साहब वो पंच बना था, पार्षद बना था, वो फील आता है सुनकर के, लेकिन होता नहीं है, है ना। तो वो वार्ड मेंबर ही एक तरह का, बस थोड़ा सा जिला वार्ड मेंबर है वो, समझ में आ गई बात। तो ये वाली जो चीज है ना, ये सब लोग जब मिल जाएंगे, बहुत सारे पंच ये सब लोग मिल जाएंगे, तब जाकर के किसका निर्माण होकर आता है, डायरेक्टर्स आपस में मिलकर के मेरे प्यारे साथियों फाइनली किसको चुनते हैं, जिला प्रमुख को। तो ये गांव के अंदर से भी डायरेक्टर का चुनाव हुआ, अर्थात जो जिला प्रमुख बन रहा है वो चुनाव जिले के अंदर से होता रहा है, ऐसा नहीं है कि सरपंच ने जिला प्रमुख को चुना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कौन बन रहा है, डायरेक्टर जिला प्रमुख को चुन रहे हैं, जिसमें सरपंच का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हायरार्की का सिस्टम नहीं है, क्षेत्र का सिस्टम है, उसके क्षेत्र में बड़ा क्षेत्र अधिकार है, इसके क्षेत्र में छोटा क्षेत्र अधिकार है। ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्टिंग ऑफिसर मतलब जिला प्रमुख सरपंच को फोन करके रिपोर्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, सरपंच अपने मामले का राजा होता है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉर्ड रिपन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम द इलेक्टेड बॉडी ऑफ लोकल गवर्नेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 1882। जब लॉर्ड रिपन भारत में वायसराय थे, उस समय स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं, हाँ, बायोलिंकेज क्या होता है, बायोलिंकेज का मतलब है जनता के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट इलेक्शन ना होना, ठीक है ना। महात्मा गांधी वाज एन एडवोकेट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। हाँ भाई, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक के पास सारी की सारी क्षमताएं ना हो, जनता के हाथ में हो शासन। महात्मा गांधी जी इसके समर्थक थे, कई तो इतना ही पढ़ के आंसर कर देंगे, हो हाँ हाँ गांधी जी तो वकील तो थे, दक्षिण अफ्रीका वकालत करने तो गए थे, उसको सुन के आंसर मत दे देना, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि गांधी जी जो थे वो इसके समर्थक थे विकेंद्रीकरण के, ठीक है। एडवोकेट जो शब्द है यहाँ पर वकील से मतलब नहीं है, जहां मुद्दा देखा वहां केस लड़ने पहुंच गए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, दोनों ही कथन सत्य हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, और महात्मा गांधी जी के बारे में ऑलरेडी पता है, ठीक है। हाँ जी, मेयर क्या होता है, आशीष बेटा, मेयर जो होता है ना, वो जो नगरीय स्वशासन है, यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है, जो नगरीय स्वशासन की बात करता है, दो प्रकार का स्वशासन होता है ना बेटा, एक ग्रामीण स्वशासन है, यानी कि ग्राम पंचायत वाला, पंचायती राज जिसे आप कहते हैं, और एक होता है नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज, ऑर्गेनाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कमेटी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पंचायती राज के संबंध में चार समितियां बनी थी, अब आपको ये याद हो तो ही आंसर कर पाएंगे, ना हो तो इसे माफ कर देना, कोई भी लोड नहीं है, मतलब इससे कोई भी बुरा मानने वाला नहीं है, ये याद करने की बात है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू से लेकर बाद में। बीडीओ का काम क्या होता है बेटा, वो जो बीडीओ होता है ना, वो प्रधान का पड़ोसी होता है, प्रधान के लिए एक प्रकार का वो प्रशासनिक अधिकारी होता है ना, याद रहे कोई बात नहीं, तो कटा दीजिएगा कोई बात। हाँ जी, यहाँ पर ये सारे के सारे समयों के हिसाब से चीजें दी गई हैं, बलवंत राय मेहता वगैरह, इन सब के बारे में छोड़िए। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत। हाँ भाई, ग्राम पंचायत जो है इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया। बिल्कुल आराधना बेटा, पॉलिटी पढ़ाते हुए यूपीएससी वाले बैच में तो मैंने 1.5-2 महीना हो गया है, और अभी तो चलने वाला है कम से कम 1.5 महीना और चलेगा, अभी पॉलिटी बहुत डिटेल में चल रही है। एक्चुअली लक्ष्मीकांत को लाइन टू लाइन पढ़ाता जा रहा हूं मैं, और बच्चों को काफी ठीक से पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी, ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, मैंने अभी सिखाया था, जल्दी से बता दीजिए ग्राम सभा का मतलब क्या होता है।
बताया है मैंने, मतलब क्लास की शुरुआत में समझाया है पूरा। बिल्कुल हाँ, यूपीएससी एसएससी के अंदर 3 महीने पढ़ाई थी हमने। ये बात भी सही है, अभी बताया था ना मैंने, इलेक्टेड मेंबर्स का होता है। चलिए, फॉर द डिक्लाइन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वर साइटेड बाय द अशोक मेहता समिति। हमसे मतलब ये सवाल थोड़ा सा वैसा है, मतलब ज्यादा डिटेल मांगता है आपसे। अशोक मेहता समिति की रिकमेंडेशंस आपको बताऊं तो ही आप इस सवाल को कर पाएंगे। अशोक मेहता समिति ने क्या कारण बताए थे कि भारत में पंचायती राज सिस्टम क्यों नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, पता हो तो ठीक है, नहीं तो इन्फॉर्मेटिव रूप से जान लीजिएगा कि मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर मतलब ये सारे के सारे पॉइंट, मतलब कि ऑफिसर सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल मतलब राजनेता ही नहीं चाहते कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करे, है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि पंचायत क्या होता है, ये सारे कारण बताया था, है ना। और लिंग समता इन्होंने इसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला था, क्योंकि आज भी पंचायती राज सिस्टम के अंदर जरूरी नहीं है कि जेंडर को लेकर कोई चर्चा करे, ठीक है ना। 23 स्टेट्स में सब करेक्ट, बाकी आप। पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर, बताइए कौन से आर्टिकल के तहत ये बात की गई है कि ये एक यूनिट होगी सेल्फ गवर्नमेंट की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बताइए। नकुल बेटा सुबह होता है 8:15 बजे, ठीक है। आखिरी दो सवाल और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, 15 क्वेश्चंस कराते हैं अपन। मनरेगा प्रोग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्लीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबको रोजगार मिलेगा, ये किस आधार पर निर्धारित किया गया था, मतलब कौन सा आर्टिकल है जो सबके लिए रोजगार की बात करता है। मतलब हमने संवैधानिक आधार क्यों बनाया, बहुत बढ़िया शाबाश, आर्टिकल 43 स्टैंड्स अबाउट इट, बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल, What is the correct with respect to state election commission? ये मैंने अभी हाल बताया, state election commission ही पंचायत और नगरीय शासन के मतलब इलेक्शन करवाता है। आर्टिकल 243 of the constitution provides for the formation of state election commission for panchayat. The election commissioner, state election commissioner is appointed by the president on the recommendation of governor. क्या राष्ट्रपति से नियुक्त करता है? The state election commissioner can be removed from the same ground and the same process as the high court judge can be removed. हाँ जी, मतलब उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने इसको व्यक्त किया है उसी आधार पर भी आप लोग इसे सही कर देंगे, मेरे बोलने के तरीके को भी अगर समझा होगा आपने। मॉर्निंग की क्लास की अनुराग डाल दिया मैंने A4 बेटा, दोनों क्लासेस की डाल दी है, 4 AM भी डाल दी है, 6:30 वाली भी डाल दी है। चलिए साथियों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बहुत अच्छे से आप लोगों ने चीजें सीखी, बहुत सिंसियरली आपने पढ़ाई करी, और अगर आप कहें तो कल इसका ही एक एक्सटेंडेड सेशन और लेके आ जाए। हाँ जी तेजस्विनी पुरी, मनु है ना, आप बता दीजिए अगर थम्स अप करके कि हाँ सर कल एक सेशन इसका और लगा दीजिए एक्स्ट्रा, ताकि उसमें क्या है थोड़े बहुत और चीजें भी सही हो जाएंगी। गौरव, श्रुति, स्वाति, शीलू पाठक, मानसी, हरेंद्र, सुनीता और कविता। हाँ भाई, इसके अंदर जो है मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाना चाहिए था इसका वो 12 क्वेश्चन के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी एक सेशन और ले लेते हैं पंचायती राज पे जो बचा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। अंजलि प्लीज, ठीक है, बेटा वो स्पेशल क्लास में पढ़ा दिया अंजलि, है ना, स्पेशल क्लास में पढ़ा दिए थे बेटा हमने, एक्स्ट्रा सेशन ना लगा करके स्पेशल क्लासेस देख लेना। ठीक है, और हाँ रे यार, आज शाम को 6:30 बजे एसएससी वाले मुझे याद दिलाना, आपका कंटेंट अपडेट करना भाई, आ गया है वो A4 पूरा के पूरा। चलो थैंक यू सो मच।